हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यालय अंबाला छावनी से हजारों कार्यकर्ताओं सहित सीएए के प्रति जन जागरण अभियान शुरू किया। छावनी के बाजारों में दुकानदारों को मिलकर इसके बारे में सही अर्थ बताया। विज ने इस दौरान सीएए का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों के विरोध पर रोष प्रकट किया। जन जागरण अभियान की आज सारे देश में शुरुआत की जा रही है। आज से लेके 12 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को नागरिकता संशोधन बिल के बारे में बताएंगे। जो दुष्प्रचार देश की दुष्ट पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ किया है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ये जो बिल है, ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी गतिविधियां चल रही हैं, ननकाना साहब पर पथराव किया जा रहा है, वहां पर बताया जा रहा है कि आज एक सिख नौजवान को गोली भी मार दी गई है, तो ऐसे जो सताए हुए लोग हैं, जो हिंदुस्तान में आ गए, जो उनकी नेचुरल शरण स्थली है, हिंदू सिख कहाँ जाएगा हिंदुस्तान के अलावा? अगर वो हिंदुस्तान में आ गए हैं तो उनको नागरिकता देना, ताकि सम्मान से उनके बच्चे पढ़ सकें, उनके बच्चे नौकरी कर सकें, वो घर खरीद सकें, वो जायदाद खरीद सकें, वो काम कर सकें। यहाँ पर हमने, सरकार ने ये नागरिकता संशोधन बिल पारित किया है। अब इन पार्टियों के पेट में क्या दर्द हो रही है, ये आज इनको पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस कहती है कि हमने तो ध्यान नहीं दिया, हमने सुना नहीं है कि ऐसा हो रहा है, वो इनको नजर नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हम इनको नागरिकता देने जा रहे हैं तो इन पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्यों कर रही हैं, क्यों ये देश को लड़ाना चाहती हैं, कम्युनिटियों को लड़ाना चाहती हैं? ये बिल हिंदुस्तान में 1984 से पहले जो लोग आए हैं उन पर लागू होगा, और आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, उन पर ये बिल लागू नहीं होता है तो फिर किस बात की तकलीफ है? ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।